हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको भी फेसबुक मैसेंजर पर लोग पिक्चर बेचकर उसको अनसेंड कर देते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अनसेंड फ़ोटो को अपनी मोबाइल की गैलरी के अंदर किस तरह से देख सकते हैं। तो फ्रेंड, किसी भी अनसेंड फ़ोटो को देखने के लिए आपने अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर आना है। मोबाइल की सेटिंग को आपने ओपन करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपने स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आपने आना है। नीचे आपने ये जो ऐप मैनेजमेंट लिखा हुआ, आपने इस वाले ऑप्शन के अंदर आना है। ऐप मैनेजमेंट के अंदर आने के बाद फ्रेंड्स आपने ऐप सेटिंग्स वाले ऑप्शन को ओपन करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपने फेसबुक मैसेंजर आपने सर्च करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं अपना फेसबुक मैसेंजर को सर्च कर लेता हूँ। ये देखिए हमारा फेसबुक मैसेंजर आ चुका है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास स्टोरेज एंड कैच लिखा होगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है। नीचे फ्रेंड्स आपके पास लिखा होगा क्लियर कैच, तो आपने ये जो क्लियर कैच लिखा है आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और इसका क्लियर कैच कर देना है। उसके बाद आपने बैक आना है फ्रेंड्स। बैक आने के बाद आपने दोबारा से अपना फेसबुक मैसेंजर के अंदर आना है फ्रेंड्स। फेसबुक मैसेंजर के अंदर आने के बाद फ्रेंड्स आपने ऊपर इन थ्री लाइन्स पर क्लिक करना है। थ्री लाइन्स के बाद फ्रेंड्स आपने सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आप इस पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके पास एक ऑप्शन आएगा फ़ोटो एंड मीडिया का, तो आपने फ़ोटो एंड मीडिया पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो लिखा हुआ है सेव ऑन कैप्चर, आपने फ्रेंड्स इस ऑप्शन को यहाँ से ओपन कर देना है, ऑन कर देना है फ्रेंड्स आपने इस ऑप्शन को। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास अगर कोई भी फेसबुक मैसेंजर पर आपको कोई भी पिक्चर भेजेगा तो वो आपकी डायरेक्ट आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स आप जब चाहें उस पिक्चर को अपनी मोबाइल की गैलरी के अंदर देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।